So hey guys, what's up? Back with another interesting video. So guys, आपका video interesting क्योंकि भाई आसनसोल में एक नाम बना हुआ है टुक टुक तवा का, ठीक है यार। टुक टुक तवा का एक नया रेस्टोरेंट खुल चुका है। हम लोग अभी देखो डॉली लॉज में, सामने वहाँ केक्स एंड बेक्स है और यहाँ पे हम लोग अपोजिट साइड में उसका, और यहाँ पे देख सकते हो टुक टुक तवा। टुक टुक तवा का एक्सटीरियर हो या इसका इंटीरियर हो, बहुत ही खतरनाक है। अब देखते हैं कि फूड और सर्विस वैसा है कि नहीं जैसे हमारा पिछला जो हमारा टुक टुक तवा है उसके जैसा। तो हम लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। सो गाइस, टुक टुक तवा लॉन्च कर चुका है अपना नया मेन्यू कार्ड। नया मेन्यू कार्ड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इसका भाई इसका जो पूरा पीडीएफ का लिंक है, कोई भी फूड आइटम का चाहिए, आइटम का प्राइस चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करो। साथ ही साथ जो फूड हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसका भी फोटोज है, तो जाके एंजॉय करो। तो गाइस, यूनिक सी प्लेटिंग के साथ हमारा यूनिक सा स्टार्टर आ चुका है भाई। स्टार्टर का नाम है भाई शेफ स्पेशल टेंडर चिकन, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है मेन्यू कार्ड का, आप जाके देख सकते हो। बात करें टेंडर चिकन की, तो टेंडर चिकन क्या होता है ना, एक चिकन का स्लाइस होता है, उसको रोल करके, मतलब उसमें अगर बेसिल लीव होता है, ठीक है, तो ओरिगानो वगैरह होता है, उसको फिर रोल करके फ्राई कर दिया जाता है। ओ भाई साहब, क्या स्मेल, तो बहुत ही प्यारा आ रहा है, मतलब तंदूर सा स्मेल है। पूरा जो आपका बेसिल लीव जो होता है, ओरिगानो, उसका पूरा फ्लेवर उसके अंदर में अच्छे से घुल चुका है। और जब आप, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट आटा है जो आप ट्राई कर सकते हो, और ये नया मेन्यू में एडेड है भाई, ट्राई जरूर से जरूर करना भाई, बहुत मजेदार है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास और दो बहुत ही तड़कते भड़कते आ चुके हैं स्टार्टर्स, चिकन हॉट बीन है और ये है हमारा प्रॉन तंपूरा। भाई दोनों में 88 पीसेस आपको मिलते हैं और दोनों भाई बहुत ही यूनिक है। ये ब्लैक हॉट बीन सॉस से बना है, ठीक है, और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये चीज आपको ट्राई करना है आसनसोल में, तो आपको आना पड़ेगा कहाँ, टुक टुक तवा। ये देखो प्रॉन तंपूरा, ठीक है, पूरा प्रॉन शेप को होल्ड भी करके रखा है, ठीक है, लूज लूज सा नहीं है। तो हम लोग चलो इसे ट्राई करते हैं। ऐसे तो प्रॉन के स्टार्टर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन भाई इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो प्रॉन है ना, मतलब उसका वो जो मेन व्हाइट वाला पार्ट होता है, वही सिर्फ उसी को यूज करके बनाया गया, कोई मिसलेनियस पार्ट नहीं है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे लिए। अगर कलर की बात करूं तो कलर आप देख सकते हो भाई, कलर बहुत ही डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा रेडिश भी है, थोड़ा सा ब्लैकिश भी है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। देख के तो लग रहा है भाई कि टेस्ट थोड़ा सा तीखापन मिल सकता है, झाल मिल सकता है। ट्राई करते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी डाला तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, फॉर्क डाला तो समझ में आ गया। अब इसे ट्राई करते हैं। चिकन भाई बहुत ही ज्यादा वेल कुक्ड है, और ये जो हॉट बीन सॉस है ना, ये एक अलग फ्लेवर, मतलब एक अलग फ्लेवर स्टार्टर लेवल में ना ये एलिवेट करके यहाँ पे ले आया भाई, खतरनाक है। अगर स्टार्टर ट्राई करते हो आप नॉन वेजिटेरियन, तो इसको एक बार जरूर ट्राई करोगे तो मजा आएगा। सो गाइज, यहाँ पे हमारा राजा आ चुका है, मतलब स्टार्टर का राजा हमारा आ चुका है, बंजारा टिक्का भाई। बंजारा टिक्का का कलर देखो भाई, क्या हॉट लग रहा है ये। अगर बारबेक्यू लेते हो या आप तंदूर लेते हो, तो ये आइटम के साथ अगर अपनी हरी वाली चटनी नहीं आई तो फिर बेकार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो देखो ये सॉफ्ट तो बहुत है ज़्यादा, ये देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, ये देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। ये इसमें पुदीना है भाई, बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंस आ रहा है, ठीक है। आप चलो इसे ट्राई करते हैं। मसाला जो होता है ना, वो अंदर बाहर जो पूरा एकदम अच्छा से फील करता है, पूरा कोट रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है। और जब हम लोग इसको डिप करते हैं और उसके बाद जब इसका पुदीना का टेस्ट आता है, तो ये पूरा एलिवेट कर देता है, मुंह में जाने के बाद जो घुलता है भाई, वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, खतरनाक है। एक और स्टार्टर मंगाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन कोर्स में भाई, ठीक है। सो गाइस, हमारा वेज स्टार्टर आ चुका है भाई, सोया मलाई चाप वाला, जो ऊपर का इसका मलाई है, ठीक है, इसका टेस्ट सबसे मैटर करता है, और इसको जिस तरह से कुक किया गया है, जो स्टाइल से और जो प्रोसेस से, वो मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ऐसे तो सॉफ्ट है, एक रेस्टोरेंट में बैठ के मलाई चाप खाने का बात, ठीक है। नॉर्मल मलाई चाप आपको बाहर भी मिलेगा, लेकिन ये जो टेस्ट है ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंट है। जब आप इसको खा रहे हो तो आपके मुंह में घुल जा रहा है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आके इसको जरूर ट्राई करिएगा, प्राइस भी बहुत अच्छा, क्वांटिटी अच्छा है,
और प्राइस 230 रुपीज़ है, तो 230 रुपीज़ में अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे स्टार्टर ट्राई कर सकते हो, सोया मलाई चाप। सो गाइज यहाँ पे हमारा स्टार्टर हो चुका है कंप्लीट, और स्टार्टर के बाद आ चुका है हमारा मेन कोर्स। तो भाई मेन कोर्स में देख सकते हो पूरा टेबल भर के हम लोग मेन कोर्स ले चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप चिकन बिरयानी है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा गार्लिक नान है, ये थोड़ा सा यूनिक है, आप इसका नाम सुनोगे तो बोलोगे कि क्या भाई नया चीज बता रहे हो। तो भाई ये है हमारा मिर्ची पराठा, ठीक है, मिर्ची पराठा, क्योंकि सही में इसमें यहाँ पे चिली के फ्लेक्स समझो, ठीक है, जो कि आपका ग्रीन चिली होता है उसका फ्लेक्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेज जयपुरी है, खासकर उनके लिए भाई ये जो मिक्स वेज होता है, ठीक है, जो वेजिटेरियन लोग आएंगे उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा भाई श्रेडेड भुना चिकन, ठीक है। सबका प्राइस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं। ऐसा प्लेटिंग अभी तक आसनसोल में मैं कहीं नहीं देखा हूँ, ठीक है। या तो पूरा ब्लैक होता है या तो पूरा व्हाइट होता है, उस टाइप का होता है। ये देखो भाई कितना आराम से निकल रहा है, कितना आराम से निकल रहा है, पूरा मलाई जैसा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि पूरा मलाई को हमारे प्लेट में दे दिया गया है। तो स्मेल बहुत प्यारा लग रहा है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। जाते ही घुल गया भाई। और ये जो है ना, इसमें आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स का साथ ही साथ बहुत सारे जो मसालाज है उसका फ्लेवर आ रहा है, मतलब एक मसाला को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, फिर दूसरा मसाला आ रहा है, फिर तीसरा मसाला आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। वेज के लिए बेस्ट है, आप अगर वेजिटेरियन ट्राई कर रहे हो तो जयपुरिया जो है हमारा बेस्ट है, अगर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पनीर से बहुत लोग उग जाते हैं, थोड़ा वेजिटेबल्स में भी जाओगे तो ये बेस्ट है भाई। चिकन के पीसेस बहुत छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई बड़ा पीस नहीं, यहाँ पे छोटे चिकन है ना, उस पर फ्लेवर ज़्यादा इन करता है और ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। तो यहाँ पे हमारा यूनिक हमारा, ठीक है, मिर्ची पराठा। अब ये मिर्ची पराठा में किसको की मिर्ची लगती है देखते हैं, मुझे मिर्ची लगती है नहीं लगती है तो ये देखने वाली बात है। ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन चिली के फ्लेक्स यहाँ पे ऊपर में मिलेगा, पीछे से देखोगे तो आपको लच्छा पराठा टाइप, और यहाँ साथ ही साथ तंदूर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो प्यार से निकला भाई, प्यार से निकला, तो रहने वाला है। ओहो क्या कलर आया है, और स्मेल उतना ही जबरदस्त आ रहा है, खतरनाक लगा है भाई। टेस्ट की बात करूँ, फ्लेवर्स की बात करूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पराठा जो ये है ना, अगर आपको मज़ेदार चीज़ खाना है, अगर आप जोलो चिप टाइप लवर्स हो, ठीक है, तो इसको ट्राई करो भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है, एक अलग एक्सपीरियंस देगा। इतना भी तीखा नहीं है कि आप लोग इसको ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। बहुत मतलब आपको थोड़ा सा एक चिली फ्लेक्स टाइप का टाइप देगा, ठीक है, थोड़ा सा झाल टाइप का ये लगेगा आपको, लेकिन इसके साथ अगर आप नॉनवेज ट्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। सो गाइस ये रहा अपना बिरयानी, और बिरयानी भाई देख सकते हो क्या ही क्वांटिटी है। आप डेप्थ देखो भाई, बाउल का डेप्थ देखो, और इसमें भाई आप देख सकते हो बहुत एक ह्यूज पीस मैंने देखा है, बहुत ही ह्यूज पीस है अंदर, साथ ही साथ एग भी मिल रहा है आपको, साथ ही साथ एक आलू भी मिलता है, मतलब मज़ेदार है, स्मेल भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इसको बिना ट्राई करे तो हम लोग रहा नहीं जाएगा। देख सकते हो रायता है जो कि कम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा, और रायता भी देख सकते हो अच्छा खासा क्वान्टिटी में, छोटी सी प्याली में नहीं दिया गया है जैसे नॉर्मली हर जगह दे दिया जाता है, ठीक है, क्वान्टिटी अच्छा खासा दिया हुआ है। तो रायता के साथ तो ट्राई करना बनता है अपना भाई। बिरयानी बहुत ही चुरचुरा है एकदम, मतलब स्टिकी नहीं है कि आपस में चावल सड़ गए हों, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं भाई। ये बिरयानी नहीं खाया तो क्या खाया, ये बिरयानी मेरा फेवरेट हो गया है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा मज़ेदार बिरयानी है, मतलब हैवी नहीं है। बहुत बिरयानी के बाद आपको ना पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये बिरयानी आप खा लोगे पूरा पेट भर लोगे, तब उसके बाद भी नहीं लगेगा कि भाई डकार नहीं आ रहा है, या आपको थोड़ा सा कंजेशन हो रहा है, मतलब होता है वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। बहुत ही प्लेन बिरयानी, बहुत ही अच्छा बिरयानी है, फ्लेवर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्लेवर्स नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा। सो गाइस लास्ट में हमारे पास है वर्जिन ब्लू लेगून, ठीक है, हमारा हमने मॉकटेल लिया है, और इसे कंप्लीट करके ये तो बनता था भाई, इतना कुछ हमने ट्राई किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है भाई, और कुछ एक स्पेशल कुछ डिटेल्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे अभी देख सकते हो लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो बर्थडे वगैरह कुछ भी आप इवेंट या कुछ भी किटी पार्टी रखना चाहो तो आके रख सकते हो, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं है, केक कटिंग वगैरह अभी तो फिलहाल आप लोग कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज, ठीक है, आओ करो और मजे करो भाई यहाँ पे। और हम लोग मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।